नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर देहरादून से। चमोली जिले की रैनी में ग्लेशियर फटने के बाद ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउड स्पीकर से अलर्ट कर रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग मकान खाली करने में जुटे। वहीं हादसे में कई लोगों के लापता होने की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं उत्तराखंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा हूं। भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और वहां सभी की सुरक्षा के लिए राष्ट्र प्रार्थना करता है। वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात कर रहा हूं और NDRF की तैनाती, बचाव कार्य और राहत कार्यों पर अपडेट प्राप्त कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि असम में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने CM TS रावत और अन्य शीर्ष अधिकारियों से बात की। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। अधिकारी प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से पुराने वीडियो शेयर न करके और धैर्य बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने मदद के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है। चमोली में राहत कार्यों को लेकर कैबिनेट सचिवालय में एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में महानिदेशक और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ पर भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है। पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जो भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दे सभी लोग, इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है धौली गंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौली गंगा ऋषि गंगा पे जो डैम है इस समय, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर, देख लीजिए चार तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं मेरा, कृपया वो ध्यान दे, चमोली कर्णप्रयाग श्रीनगर ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है, जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करे। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौली गंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई, समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय ये हो रही है। इसलिए आज संडे होने की। जिला विरोची अवधेश कुमार के साथ शादाब अली की खास रिपोर्ट।